पहले फौज की तैयारी करते थे हम सब। जब यह अग्निवीर की स्कीम आई हमारे पास, मेडिकल फिजिकल और पेपर सारा क्लियर था हमारे पास, जॉइनिंग लेटर पड़े अभी भी, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। हमें बोल दिया गया तुम्हारी ये भर्ती कैंसिल। हमने तैयारी भी पेपर की भी की थी, मेडिकल भी फिट थे और फिजिकल भी, हमारी जॉइनिंग नहीं, आज तक उसका कोई फैसला नहीं। अब ये नीट वाला ऐसे हमने यूपी पुलिस का एक फार्म भरा था पीछे से, उसकी थी 500 रुपये फीस और किराया और मिला के सारा बहुत खर्चा हुआ, लेकिन सरकार ने वो क्या किया कैंसिल, ना तो हमारी फीस आज तक वापस आई। ऐसे ही हरियाणा में बहुत सारे पेपर निकलते, फार्म निकलते हैं, उनके पेपर तक होते नहीं, फीस भरवा के उसके बाद हम क्या करें। हमारी मेन मांग यही है कि हमारे इसके ऊपर सोल्यूशन करे, या तो फार्म कैंसिल कर दो भैया, फार्म ही ना भरो, जो फार्म भर दिया फीस दे दी सब कुछ, हमारे जॉइनिंग तो दो, हमारे जॉइनिंग लेटर वैसे ही खराब हो रहे, क्या बच्चों को दिखाएंगे वो सब, उसके लिए क्या करें। हमारे अग्निवीर ऐसी स्कीम लगा दी जिसमें कुछ नहीं है। मेरा भाई खुद आर्मी में है, मेरे खुद के घर में है ना दो भाई है, वो दोनों आर्मी में है फिलहाल, ऑन ड्यूटी है, और मैं कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा। मैं हूँ अग्निवीर में अरबों है, वो ले रहे 50,000 रुपये तनख्वाह, मैं 21,000 रुपये तनख्वाह, क्या फ़ायदा। वो करेंगे 15 साल नौकरी, मैं करूँगा 4 साल नौकरी, इससे क्या होगा।